आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर जिले में राजस्व प्रकरणों का निराकरण ग्रामीण स्तर पर शिविर लगाकर किया जा रहा है। राजस्व प्रकरण जैसे नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन व्यपवर्तन, नया किसान किताब जारी एवं अध्ययन करने, अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने, विलंबित जन्म प्रमाण पत्र की अनुमति आदि संबंधित प्रकरणों के निराकरण तथा राशन कार्ड जारी करने हेतु जिले के सभी तहसीलों में ग्रामवार राजस्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में राजस्व संबंधित लगभग 111 आवेदन प्राप्त हुए। इसी क्रम में आज ग्राम पंचायत कार्यालय में राजस्व समस्या उक्त शिविर में संबंधित तहसीलदार दुष्यंत कोसले, राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी, पंचायत सचिव हकीम खान, पंच सरपंच कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हमारे ग्राम पंचायत पंडरा पथरा में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें तहसीलदार और राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी आए हुए हैं। 110 आवेदन आया है और अभी आने की संभावना है, क्योंकि अभी किसान लोग का खेती बाड़ी चल रहा है जिसमें लेट से आते हैं, और कल भी ये यहाँ शिविर रहेगा। आपका परिचय बताइए। मैं यहाँ की सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत पंडरा पथरा, पूर्णिमा गंधर्व। जिला कलेक्टर बिलासपुर महोदय के आदेशानुसार दिनांक 18 जुलाई से पूरे जिला में राजस्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और जो सितंबर माह तक चलने वाला शिविर है, इसमें सभी राजस्व अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायत वार शिविर लगाने का आदेश किया गया है, और उसी के तारतम्य में आज हम ग्राम पंचायत पंडरा पथरा में राजस्व शिविर का आयोजन किए हैं। यहाँ बैठे हैं अभी लगभग 150 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें खाता विभाजन है, नामांतरण है, पौती नामांतरण है, आय जाति निवास और किसान किताब है, खसरा विवरण जो लेने के लिए, ऐसे कई समस्याओं को लेकर आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। अभी शिविर चालू है, हमारे स्टाफ कल भी यहाँ बैठेंगे, जो आवेदन आज नहीं दे पाए होंगे वो कल आवेदन देंगे, उनका भी आवेदन स्वीकार करेंगे, और सभी का फिर सूक्ष्म तरीके से आवेदनों का परीक्षण करके जो सही आवेदन रहेंगे उसका ऑनलाइन एंट्री के लिए जिला कार्यालय बिलासपुर भेजा जाएगा। मैं दुष्यंत कीर्तिमान कोसले, तहसीलदार बेलगहना। बेलगहना से रवि राज रजक की रिपोर्ट।